हाय गाइस, मैं हूं स्नेहा। आपका मेरे चैनल पे स्वागत है। अगर आप मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो नीचे दिए गए रेड बटन पे क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ वाले बेल आइकन पे क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आप में से काफी लोगों का मेरे से सवाल रहता है कि प्राइमर्स आखिर क्या है, प्राइमर्स को यूज कब किया जाता है, किस लिए यूज किया जाता है और कैसे यूज किया जाता है। तो आइए इन सभी क्वेश्चन के आंसर्स जान लेते हैं और जान लेते हैं कि प्राइमर आखिर क्या मेकअप प्रोडक्ट है और इसका यूज क्या है। तो प्राइमर सबसे पहले तो आपके मॉइस्चराइजर से बिल्कुल ही अलग मेकअप प्रोडक्ट है। मॉइस्चराइजर एक स्किन केयर प्रोडक्ट है जो कि आपके स्किन के मॉइस्चर या वाटर बैलेंस को मेंटेन करने में मदद करता है। वहीं प्राइमर आपका जो फाउंडेशन है उसके एप्लीकेशन को और इजी बनाने में मदद करता है। यानी कि अगर आप प्राइमर लगा के फिर फाउंडेशन लगाते हैं तो एक तो बहुत फ्लॉलेस दिखता है और बहुत ही ईजिली और स्मूथली आपके स्किन पे वो ग्लाइड करता है। मॉइस्चराइजिंग प्राइमर्स भी मार्केट में अवेलेबल हैं लेकिन वो एक अलग चीज है। वैसे देखा जाए तो प्राइमर्स मॉइस्चराइजर की रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं करते, इसलिए अगर आप प्राइमर भी यूज कर रहे हैं उसके साथ फिर भी आपको मॉइस्चराइजर अपने स्किन पे लगाना बिल्कुल जरूरी होता है। तो प्राइमर क्या करता है, आपके स्किन और फाउंडेशन के बीच एक लेयर बन जाता है ताकि जब आप स्किन के ऊपर फाउंडेशन लगाएं तो उसके पहले प्राइमर होने की वजह से आपका जो फाउंडेशन या कंसीलर है वो आपके स्किन पे बहुत ईजिली ग्लाइड हो, फ्लॉलेस दिखे और ज्यादा घंटों तक आपके चेहरे पे स्टे करे। आप में से काफी लोगों को ये दिक्कत भी रहती है कि फाउंडेशन लगाने के कुछ घंटों बाद वो चेहरे पे काला दिखने लगता है, तो उस केस में भी प्राइमर का यूज करना बहुत जरूरी है। क्योंकि प्राइमर क्या करता है, आपके फाउंडेशन के पिगमेंट्स को आपके स्किन के साथ रिएक्ट होने नहीं देता, और जब आपके फाउंडेशन के पिगमेंट्स रिएक्ट नहीं करेंगे स्किन के साथ तो वो ब्लैकनेस या डलनेस कॉज नहीं करेंगे और आपका फाउंडेशन और भी ज्यादा घंटों के लिए आपके स्किन पे स्टे करेगा। सबसे पहले हम इस्तेमाल करेंगे एक फेस मॉइस्चराइजर का। अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी स्किन ऑयली है या ड्राई है, समर्स हैं या विंटर्स हैं, मॉइस्चराइजर का इस्तेमाल करना मेकअप से पहले बहुत ही जरूरी है। आप खुद ही देख पाएंगे कि मॉइस्चराइजर के बाद जब आप फाउंडेशन या बीबीसीसी क्रीम्स लगाते हैं तो वो कितना डिफरेंस दिखाते हैं आपके मेकअप में। एक तो आपका मेकअप बहुत स्मूथली ग्लाइड करता है आपके स्किन पे और भी ज्यादा फ्लॉलेस दिखता है, पोर्स कम नजर आते हैं और ओवरऑल जो आपके फेस की अपीयरेंस है वो अच्छी लगने लगती है एक फेस मॉइस्चराइजर का इस्तेमाल करके। क्योंकि मेरी ऑयली स्किन है और आजकल विंटर्स हैं तो मैं ये ओले का मॉइस्चराइजिंग क्रीम इस्तेमाल करने वाली हूँ। अगर समर्स होते तो मैं एक लाइट जेल बेस्ड मॉइस्चराइजर इस्तेमाल करती, लेकिन क्योंकि विंटर्स है और मेरी स्किन भी थोड़ी नॉर्मल से ड्राई की तरफ जाने लगती है तो मैं एक क्रीम बेस्ड, लाइट क्रीम बेस्ड मॉइस्चराइजर का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप में से काफी लोगों का क्वेश्चन भी था कि जो मैं ला रोश-पोसे का मॉइस्चराइजर यूज करती हूँ वो बहुत एक्सपेंसिव है, तो उसका एक चीपर ऑल्टरनेटिव ये ओले का मॉइस्चराइजिंग क्रीम है। ये अराउंड 200-240 रुपीज का है तो ये मैक्सिमम लोग ले भी पाएंगे और ऑयली कॉम्बिनेशन स्किन के लिए मैंने देखा है काफी अच्छा काम करता है। मॉइस्चराइजर लगाने के बाद करीब 2-4 मिनट वेट करें, उसके बाद हम प्राइमर लगाना शुरू करेंगे। प्राइमर क्या करता है, आपके फेस के जो भी पोर्स हैं या छोटे मोटे गड्ढे जो हुए हुए हैं उनको फिल करके आपका जो फेस है उसको एक स्मूथ बेस बना देता है। अब इसके ऊपर आप कोई भी कंसीलर फाउंडेशन लगाएंगे वो एक तो बिल्कुल फ्लॉलेसली रन करेगा और आप ब्लेंडिंग भी देख पाएंगे और भी ज्यादा आसानी से हो रही है। तो ये तो एक बेनिफिट है प्राइमर लगाने का। इसके अलावा प्राइमर जब आप लगाते हैं तो आपके जो फाउंडेशन या बेस प्रोडक्ट है उसका जितने घंटे वो टिक रहा है आपके चेहरे पे नंबर ऑफ आवर्स बढ़ जाते हैं। यानी कि जनरली अगर कोई भी फाउंडेशन आपके स्किन पे 3-4 घंटे ही टिक पाता है तो प्राइमर का इस्तेमाल करके करीब 5-6 घंटे तो वो बिल्कुल आपकी स्किन से कहीं नहीं जा रहा। और एक और प्राइमर का यूज तब देखने को मिलता है जब एक्सट्रीम्स ऑफ वेदर होते हैं, यानी कि अगर एक तो बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है या बहुत ज्यादा ठंड पड़ रही है। इससे क्या होता है, मान लीजिए आपने तो घर के अंदर मेकअप किया या कार के अंदर मेकअप किया, वहां तो आपका टेम्परेचर कंट्रोल्ड है, एक मान लीजिए 18-20 एक टेम्परेचर है, और एक आप विंटर्स में एक्सट्रीमली कोल्ड वेदर में बाहर जा रहे हैं। तो अगर आपके फेस में प्राइमर नहीं लगा होगा तो जब आप बाहर जाएंगे आपकी स्किन रिएक्ट करेगी उस वेदर पे और आपके फाउंडेशन को बहुत ही ड्राई, केकी और क्रमली बना देती है। प्राइमर क्या करता है, वो आपके स्किन के साथ एक बैरियर बनाता है
और फाउंडेशन जैसा आपने लगाया था आपकी स्किन पे वैसा ही लगा रहता है। मार्केट में काफी अलग अलग तरीके के प्राइमर्स आते हैं, कई प्राइमर्स मॉइस्चराइजिंग प्राइमर्स भी होते हैं, तो वो आपके इन दोनों प्रोडक्ट्स की रिक्वायरमेंट को एक साथ पूरा करते हैं। कई आते हैं जिनके चेहरे पे बहुत पिंपल्स, बहुत रेडनेस है, तो उसको करेक्ट करने के लिए कोई ग्रीन कलर का प्राइमर आएगा, वरना आमतौर पे एक क्लियर जेल की फॉर्म का प्राइमर देखने को मिलता है। और प्राइमर्स आपके जनरली सिलिकॉन बेस्ड प्रोडक्ट्स होते हैं, ये एक चेहरे पे बहुत ही सिल्की स्मूथ और बहुत ही ग्लाइडिंग ग्लॉसी फिनिश देते हैं। और हाँ, एक और क्वेश्चन जो आप में से काफी लोगों का रहता है कि प्राइमर का इस्तेमाल कब करना है, तो देखिए स्टेप नंबर 1 है मॉइस्चराइजर, स्टेप नंबर 2 है प्राइमर, और फिर स्टेप नंबर 3 है फाउंडेशन या कंसीलर। तो इसका मतलब आपको प्राइमर का इस्तेमाल फाउंडेशन से पहले करना है, तभी तो आपकी स्किन और फाउंडेशन के बीच में एक बैरियर बन रहा है ना। तो प्राइमर हमेशा मॉइस्चराइजर के बाद, लेकिन फाउंडेशन या कंसीलर से पहले इस्तेमाल किया जाता है। तो अब काफी टाइम हो गया है कि मेरा मॉइस्चराइजर मेरे फेस पे सेट हो चुका है, तो अब मैं क्लियर प्राइमर का इस्तेमाल करूंगी, और ये है बॉडियोग्राफी का फाउंडेशन प्राइमर। आजकल मार्केट में काफी और अफोर्डेबल ब्रांड्स जैसे ब्लू हेवन और लैक्मे भी प्राइमर्स बना रहे हैं, आप वो भी ट्राई कर सकते हैं। बॉडियोग्राफी भी एक बहुत ही अच्छा प्राइमर बनाता है। तो ये देखिए, ये क्लियर बिल्कुल जेल बेस्ड फॉर्म में है, तो इसको बहुत ज्यादा नहीं लेना है। मैंने, आप मान लीजिए, एक पी साइज अमाउंट लेके इसको अपने सेंटर ऑफ द फेस पे ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करूंगी, क्योंकि वहीं पे मुझे देखने को मिलता है कि मेरा फाउंडेशन जल्दी ब्रेक होता है या विंटर्स में बहुत ज्यादा ड्राई और फ्लेकी लगता है। फिर आप बचा हुआ बाकी एरियाज में फेस के लगा सकते हैं, और इसको किसी भी फेस क्रीम की तरह लगाना होता है। कोई भी आपका मॉइस्चराइजर या फेस क्रीम जैसे आप लगाते हैं, वैसे ही आपका प्राइमर लगाया जाता है। तो जहां पे भी आपका प्रॉब्लमेटिक एरिया है, जहां पे आपके बहुत ज्यादा ओपन पोर्स हैं, या फाउंडेशन एप्लीकेशन बहुत अच्छे से नहीं हो पाता है, प्राइमर को उस एरिया पे लगाएं, और काफी डिफरेंस ये कॉज करेगा। तो मैंने प्राइमर लगा लिया है, जैसे मैंने मॉइस्चराइजर लगा के करीब 5 मिनट वेट किया था, प्राइमर लगाने के बाद मैं 5 मिनट वेट करूंगी, ये मेरे स्किन पे सेट होगा, और इसके बाद मैं अपना फाउंडेशन लगाना शुरू करूंगी। तो प्राइमर लगाए हुए मुझे करीब 5 मिनट हो चुके हैं, अब हम हमारा फाउंडेशन लगाना स्टार्ट करेंगे। आज मैं इस ट्यूटोरियल के लिए यूज करूंगी ये क्रायलन का टीवी पेंट स्टिक। तो आप में से काफी लोगों ने इसका रिव्यू भी मेरे से रिक्वेस्ट किया था, तो थोड़ा बहुत उसकी झलक आपको इसमें देखने को मिल जाएगी। अगर आपको फिर भी लगे कि मैंने कुछ पॉइंट्स कवर नहीं किए हैं, तो आप मुझे प्लीज कमेंट्स में बताइए, मैं और भी डिटेल रिव्यू करने की कोशिश करूंगी। तो ये क्रायलन टीवी पेंट स्टिक एक ऐसा स्टिक बेस्ड फाउंडेशन है, और स्टिक बेस्ड फाउंडेशन सारे टाइप के फाउंडेशन में सबसे डिफिकल्ट होता है ब्लेंड करना। तो आप ये भी देखते रहिए कि मैं एक स्टिक फाउंडेशन को कैसे ब्लेंड करूंगी। तो सबसे पहले इसको लाइंस की फॉर्म में चेहरे पर अप्लाई करना है, और बहुत ज्यादा क्वांटिटी नहीं लेनी है। स्टिक फाउंडेशन का यही रहता है, क्योंकि बहुत कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट होता है, इसलिए अगर हम बहुत ज्यादा लगा लेते हैं तो फेस थोड़ा केकी और अननेचुरल दिखता है। तो मैं इसे लाइंस की फॉर्म में इसे अप्लाई कर लूंगी। क्रायलन की एक बहुत अच्छी बात है कि उनके शेड सिलेक्शन में इतनी वैरायटी रहती है कि आपको अपने मैचिंग शेड का फाउंडेशन या कंसीलर ना मिले, ऐसी पॉसिबिलिटी बहुत रेयर होती है। तो आपने देखा, मैंने लाइंस की फॉर्म में इसे अप्लाई कर लिया है। अब प्रॉब्लम कहाँ आती है स्टिक फाउंडेशन में, इसके ब्लेंडिंग में। तो इसके ब्लेंडिंग के लिए हम एक डैम्प स्पॉन्ज का इस्तेमाल करेंगे। डैम्प स्पॉन्ज यानी कि इसको गीला करके इसका एक्स्ट्रा पानी ऐसे करके निचोड़ लिया, और फिर जो इसमें थोड़ी सी नमी या पानी बचा वो हुआ इसका डैम्प स्पॉन्ज, और ये है डैम्प ब्यूटी ब्लेंडर। तो इसको मैं अपने स्किन पे ऐसे करके प्रेस करना स्टार्ट करूंगी। इसका जो मॉइस्चर होगा, इसमें जो थोड़ा सा पानी होगा, वो मेरे फाउंडेशन को स्किन के साथ बहुत अच्छे से ब्लेंड करने में मदद करेगा। हमेशा की तरह जो आपका हेयर लाइन है वहां पे फाउंडेशन बहुत अच्छे से ब्लेंड होना चाहिए, ताकि फाउंडेशन और हेयर लाइन दो अलग अलग रंगों में ना दिखें।
नाक और आंख के आसपास जो एरियाज डिफिकल्ट होते हैं ब्लेंड करना, वो इस ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से काफी अच्छे से ब्लेंड हो जाते हैं। और यहाँ पे जैसे मैं अभी भी एक पिंपल देख पा रही हूँ, तो मैं एक बार दोबारा स्टिक फाउंडेशन को इसके ऊपर अप्लाई करूंगी। इसके बाद ये जो डैम्प स्पॉन्ज है इसको इसके ऊपर डैब करूंगी, यानी कि हल्के हल्के से प्रेस करूंगी। तो आप देखिए इसने मेरे इम्परफेक्शन को कितनी अच्छी तरह कवर किया है और पूरे चेहरे पे एक इवन टोन दिया है। साथ ही मैं कहीं भी स्ट्रीकी, पैची, केकी, अनइवन कहीं नहीं दिख रहा, सिर्फ इसी वजह से क्योंकि मैंने एक हल्के गीले स्पॉन्ज का इस्तेमाल किया है। तो स्टिक फाउंडेशन को ब्लेंड करने की यही टिप है। और प्राइमर के बाद क्योंकि मैंने फाउंडेशन लगाया है तो मुझे इसको ब्लेंड करने में भी बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं हुई, और प्राइमर लगाने की वजह से ये काफी घंटों तक ऐसे ही मेरे चेहरे पे टिका रहेगा। तो ये रहा मेरा फिनिश लुक, एक स्मोकी आईज, थोड़ा सा ब्लश और एक लिपस्टिक के साथ। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो इसको लाइक करना मत भूलिएगा, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इसको शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आप यहाँ पे क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और नेक्स्ट स्क्रीन पे आ रही वीडियो पे क्लिक करके उसको देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। मेरी आज की वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। बाय बाय।